सब्सक्राइब करें हमें आपकी स्क्रीन पर दिए स्टार बटन को दबाकर और दबाएं इस बेल आइकन को जिससे आप पाएं हमारी वीडियो सबसे पहले। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। साइकोडायनेमिक अप्रोच, अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उस केस में साइकोडायनेमिक अप्रोच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजों को समझने के लिए। क्यों? क्योंकि साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंदर कुछ ऐसी बातें कही गई थी जिसका सीधा सीधा लिंक आज के एजुकेशन सिस्टम के साथ है, या बच्चों के माइंड पढ़ने के लिए या उनके बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए जो जरूरी है। यहाँ पे साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल फैक्ट्स की बात करी गई थी जिसके बेस पे हमें पता चलता है कि किस प्रकार बच्चा किस सिचुएशन में किस प्रकार से रिएक्ट करता है और किस तरीके से उसका माइंड वर्क करता है डिफरेंट सिचुएशंस में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें साइकोडायनेमिक अप्रोच की, तो इससे पहले साइकोडायनेमिक का जन्म कहाँ से हुआ? साइकोडायनेमिक का जन्म हुआ साइको एनालिसिस से। साइकोडायनेमिक क्या है, साइको एनालिसिस क्या है, दोनों के जन्मदाता कौन थे और किस तरीके से आगे बढ़ी, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके चैनल पे, और आज हम बात करने वाले हैं साइकोडायनेमिक अप्रोच के बारे में। साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंदर जो साइको एनालिसिस थ्योरी आई थी, साइको एनालिसिस जो थ्योरी आई थी उसके फादर है सिगमंड फ्रेड। अगर हम कहें साइकोडायनेमिक अप्रोच या साइको एनालिसिस अप्रोच उसके फादर कौन रहे, तो वो है सिगमंड फ्रेड। सिगमंड फ्रेड ने क्या किया था, अपने एक पेशेंट पे स्टडी करी थी जिसका नाम था आना ओ, वो हिस्ट्री की पेशेंट थी और उसके ऊपर उसने अपनी स्टडीज करी थी और स्टडीज के बेस पे कुछ फैक्ट्स उसने निकाले थे जिसके बाद उसने एक नई थ्योरी को जन्म दिया जिसका नाम उसने दिया साइको एनालिसिस थ्योरी। साइको एनालिसिस का मतलब, साइको मतलब दिमाग और एनालिसिस का मतलब उसका विश्लेषण, यानी कि माइंड का विश्लेषण करने की बात किसने करी, सिगमंड फ्रेड ने। इसका मुख्य फोकस किस पे था, यानी कि साइकोडायनेमिक थ्योरी का मुख्य फोकस है गेटिंग इनसाइड ह्यूमन ब्रेन, यानी कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर जाना और जानना कि डिफरेंट सिचुएशन में वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। यहाँ पे साइकोडायनेमिक जो है वो ह्यूमन फंक्शनिंग बेस्ड ऑन ड्राइव्स एंड फोर्सेस। यहाँ पे साइकोडायनेमिक का क्या मतलब है, साइकोडायनेमिक का मतलब है कि ह्यूमन का ब्रेन यानी कि हमारा जो दिमाग है या हम जो है डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। डिफरेंट सिचुएशन का मतलब है अगर हमें अलग अलग तरह के ड्राइव्स मिलते हैं या अलग अलग तरह के फोर्सेस मिलते हैं तो उस ड्राइव्स या फोर्सेस के अगेंस्ट हमारा माइंड या हमारी बॉडी किस तरीके से वर्क करती है, ये है, ये बात स्टडी की जाती है साइकोडायनेमिक थ्योरी के अंदर। ये जो साइकोडायनेमिक थ्योरी है ये बड़ी है साइको एनालिसिस से। कैसे, किस केस में बता रहा हूँ, साइको एनालिसिस जो है उसके ऊपर स्टडी करी है केवल सिगमंड फ्रायड ने, लेकिन साइकोडायनेमिक जो है उसका विस्तार है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी, बहुत सारे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया और एंड में एक थ्योरी निकल के आई जिसका नाम बना साइकोडायनेमिक। साइकोडायनेमिक थ्योरी के अंदर जंग, एडलर और एरिक्सन, कार्ल जंग, एडलर और एरिक्सन ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था और अपनी थियोरीज बनाई थी। इनकी थियोरीज क्या क्या थी, स्पेसिफिकली हर एक थियोरी को हम डिस्कस करने वाले हैं अपने चैनल पे। तो उसके बाद देखिए, साइकोएनालिसिस इज ए थियोरी एंड थेरेपी। सिगमंड फ्रेड ने जो थ्योरी बनाई थी साइकोएनालिसिस, वो एक थ्योरी भी थी और वो एक थेरेपी भी थी। थ्योरी कैसे, क्योंकि हम उसको पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ थ्योरी, बट ये थेरेपी कैसे थी, क्योंकि ये जो साइकोएनालिसिस थ्योरी सिगमंड फ्रेड ने बनाई थी उसके लिए उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, वो उसकी ऑब्जर्वेशंस थी जो उसने अपने पेशेंट से ली थी। पेशेंट से वो कुछ सवाल पूछता और पेशेंट उसका जवाब देता, उस हिसाब से अपनी उसने अपनी स्टडीज बनाई। एक्चुअली में वो क्या कर रहा था, अपने पेशेंट्स को थेरेपी दे रहा था, उनको ठीक कर रहा था, लेकिन उसी बहाने उसको बहुत सारी चीजें मिली, बहुत सारी फाइंडिंग्स मिली जिसको उसने बाद में थ्योरी का रूप दिया। तो साइको एनालिसिस जो है वो एक थेरेपी भी है, वो एक थ्योरी भी है। फ्रॉइड की जो थ्योरी है वो क्लिनिकली टेस्टेड थी पेशेंट्स पे, अपने पेशेंट पे जो उसने थ्योरी अप्लाई करी थी, अपने पेशेंट से जो क्वेश्चन पूछे थे उसे, वो क्लिनिकली टेस्टेड थे जो कि उसने अपने पेशेंट पे लागू किए थे और उसके बेस पे उसके फाइंडिंग्स पे उसने साइकोएनालिसिस थ्योरी बनाई थी। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखिए, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बारे में किसने बात करी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हम साइकोडायनेमिक थ्योरी कर रहे हैं तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। यहाँ पे बात करते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात किसने की थी, तो वो थे कार्ल जंग।
साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बारे में किसने कहा, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट के बारे में, तो सिगमंड फ्रॉयड। यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करें तो वो सिगमंड फ्रॉयड ने किया। डिफेंस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम जरूर पढ़ें। डिफेंस मैकेनिज्म के भी बारे में बात करी है सिगमंड फ्रॉयड ने, और साइकोसोशल थ्योरी के बारे में बात करी है एरिक एरिक्सन ने। तो ये टर्म्स, दीज टर्म्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, हैव अ लुक टू इट। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं एजम्पशंस की, इस थ्योरी की क्या क्या एजम्पशंस assumptions थी, किन किन चीजों पे माना गया कि हाँ ये चीजें इस थ्योरी के अंदर ऑलरेडी है। वो है यहाँ पे माइंड की बात करेंगे। यहाँ पे माना गया माइंड के तीन हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, और प्री कॉन्शियस माइंड होता है। तीनों का मतलब क्या है? कॉन्शियस माइंड का मतलब होता है कि अवेयर ऑफ द प्रोसेस, यानी कि जब हमारा दिमाग जानता है कि किसी सिचुएशन में क्या काम चल रहा है और वी आर फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट, तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं कॉन्शियस माइंड। यानी कि अभी मैं आपसे ये बातें कर रहा हूं और इस समय मुझे पता है कि मैं आपसे क्या बातें कर रहा हूं, तो ये है कॉन्शियस माइंड। अब बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड, जो कि इनएक्सेसिबल होती है, जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। ऐसी यादें या ऐसी मेमोरीज जो आपके दिमाग की किसी गहराइयों में दबी हुई है और जिसको आप निकाल नहीं सकते बड़ी आसानी से, वो है अनकॉन्शियस माइंड, जो कि इनएक्सेसिबल होती है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान में रखनी है, हमारा जो 90% जो बिहेवियर होता है वो अनकॉन्शियस माइंड की वजह से ही होता है। अनकॉन्शियस यानी कि हमारी जो हैबिट फॉर्मेशन होती है, हमारे जो हम जो कर रहे हैं, हमारे जो बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, चलने का तरीका, ये सारी चीजें क्या है, ऐसी मेमोरीज है जो कि कहीं ना कहीं दबी हुई है और उन्हीं की वजह से ये हमारा हम इस काम को कर पाते हैं। मेन चीज क्या है, अनकॉन्शियस माइंड इज इनएक्सेसिबल बट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और 90% ऑफ आवर एक्टिविटीज आर डिराइव फ्रॉम दीज मेमोरीज। फिर उसके बाद है प्री कॉन्शियस माइंड का मतलब है, देखो ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस से थोड़ा अलग है, कॉन्शियस भी है लेकिन प्री कॉन्शियस, यानी कि ऐसे ऐसी मेमोरीज या ऐसे थॉट्स या दिमाग का वह प्रोसेस जिसके अंदर हमें एग्जैक्ट उस टाइम पे तो नहीं पता होता कि क्या करना है, लेकिन अगर कोई ड्राइव हमें दे तो इंस्टेंटली वो हमें याद हो जाता है। जैसे अभी आप मेरा अभी इस लेक्चर को सुन रहे हैं, लेकिन एकदम से अभी आपको अपना मोबाइल नंबर नहीं के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे ही बोला कि आप अपना मोबाइल नंबर सोचें तो आप अपने आपके दिमाग में अभी अपने आप ही मोबाइल नंबर अपना चलने लग गया होगा। तो ये क्या है, प्री कॉन्शियस माइंड, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जो कि उस टाइम पर्टिकुलरली नहीं चल रही होती, लेकिन अगर एकदम से याद दिलाया जाए तो याद आ जाती है। जैसे एकदम से आपको प्यास लगी तो फिर एकदम से पानी की याद आ गई, तो ये क्या है, प्री कॉन्शियस माइंड है। ये इसकी बात करी किसने, साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंदर कि माइंड के तीन हिस्से होते हैं। उसके बाद उसने कहा कि एडल्ट बिहेवियर जो है वो कि चाइल्डहुड में ही रूट किए कर दिए जाते हैं, यानी कि बड़े होने के बाद जो हमारी एक्टिविटीज है, जो आपकी एक्टिविटीज है, जो मेरी एक्टिविटीज है, हम सभी की एक्टिविटीज है, वो बचपन में ही हमारे शरीर के अंदर रूट कर दिए जाते हैं। रूट करने का मतलब प्लांट हो जाते हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमने बचपन में किया होता है या उसको सीखा होता है, या तो हम उसको मॉडिफाई करते हैं या तो उसी एक्टिविटी को हम करते हैं। लेकिन एडल्ट होने पे बहुत सारी एक्टिविटीज में बदलाव आना या फिर नई एक्टिविटी आना काफी मुश्किल हो पाता है। तो इसी से बात करी कि ऑल बिहेवियर हैज ए कॉज इवन स्लिप ऑफ टंग। इन साइकोडायनेमिक अप्रोच जो थियोरिस्ट है उनका मानना था कि कोई भी एक्टिविटी अगर हमारी बॉडी कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इवन अगर टंग भी स्लिप हो जाए, बोलते बोलते अगर रुक जाते हैं या फिर टंग स्लिप हो जाती है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण कोई भी काम नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। ये बात किसने कही, साइकोडायनेमिक अप्रोच के थियोरिस्ट ने। अब यहाँ पे बात करेंगे पहली बार पर्सनैलिटी की। तो पर्सनैलिटी की जो थियोरीज है यहीं से ड्राइव होना स्टार्ट हो गई थी और पर्सनैलिटी के बारे में बात होनी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे बात करी गई कि पर्सनैलिटी होती क्या है। तो साइकोडायनेमिक थियोरिस्ट ने कहा कि जो पर्सनैलिटी है वो कि तीन चीजों से मिलकर बनती है, इड, ईगो, सुपर ईगो। इसको अहम अहम ऐसे कुछ होता है हिंदी में। इसका मतलब क्या होता है हम जानते हैं। इड का मतलब होता है कि ऐसी चीजें जो ऐसी एक्टिविटीज या ऐसे मेमोरीज या ऐसी ऐसा बिहेवियर जो कि हमारे माइंड में बचपन में ही रूट कर दिया जाता है और जो कि कभी भी बदलाव नहीं, जिसमें कभी भी बदलाव नहीं आता, यानी कि कोई भी ऐसी मेमोरी या कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी हैबिट जो बर्थ में ही हमारे अंदर आ चुकी है और वो कभी चेंज नहीं होगी, वो होती है इड। अब बात करते हैं ईगो की। ईगो का होता है पार्ट ऑफ इट, इड का वह हिस्सा जो कि फ्यूचर में यानी कि आगे आने वाले समय में जिसके अंदर बदलाव कर किया जा सकता है, वो ईगो होता है। यानी कि ऐसी हैबिट जो कि हमारे अंदर फॉर्मुलेट हो गई है और जो कभी नहीं बदलेगी, वो इड है। और इड का वह हिस्सा जिसमें बदलाव लाया जा सकता है,
वह है ईगो, और सुपर ईगो वो है जो वैल्यूज जो हम पेरेंट और सोसाइटी से सीखते हैं, यानी कि सुपर ईगो के अंदर आता है जो कि वैल्यूज हैं, कैसे रहना है, कैसे किसी क्या बात करनी है, तो किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरह की सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, कौन सा कल्चर फॉलो करना है, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, ये सारी चीजें आती है हमारे सुपर ईगो के अंदर। तो ये सारी बेसिकली बात करेंगे साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंदर। साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंदर जो बेसिक जो मेन थियरिस्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है एक है सिगमंड फ्रॉयड, फिर उसके बाद कार्ल जंग, एडलर एंड एरिक्सन। इन चार लोगों की थ्योरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम साइकोडायनेमिक को पढ़ रहे हैं। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आगे आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियोस हम इन चारों की थ्योरीज के बारे में स्पेसिफिकली और इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मिलेगी आपको हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले, क्योंकि अगर बेल नोटिफिकेशन को आपने ऑन नहीं किया तो किसी भी तरह की अपडेट्स आपको नहीं मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।